हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज यहाँ पर आपके लिए मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो बहुत क्विक रीडिंग होने वाली है और बहुत छोटी सी रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज है 22 फरवरी 2022। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिनको रिपीटेडली दो नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देता है, आज का दिन उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनको ये नंबर दिखाई नहीं देता, पर ये नंबर आप लोगों को आज कुछ डिवाइन मैसेज देने के लिए आया है। अगर आप महसूस करते हैं फ्रिक्वेंसीज को, अगर आप महसूस करते हैं नंबर्स की वाइब्रेशंस को, तब आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को आज मैं रीडिंग देने वाली हूँ कि आज के बाद आपका एनर्जी जो चेंज होने वाली है, जो वाइब्रेशन आपकी चेंज होने वाली है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं, और उसके लिए आप क्या क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जो आपको करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन आप दो बार अपनी विश बोलें, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप चीजों को करना चाहते हैं उसको आज दो बार, कोई भी टाइम फिक्स कर लें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किस टाइम बोलना है, बस आपको दो बार अपनी विश को बोलना है। और आप जब दो बार बोलेंगे तो इसे रिपीट करें 22 टाइम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इसे रिपीट करें 22 बार अपनी विश को। अभी जब से वीडियो पब्लिश होगा उसके बाद आप कोई भी समय चूज कर लें, दो बार अपनी विश को बोलें। थोड़ा सा गैप दे दें, पहली बार जब बोलेंगे और उसके बाद जब बोलेंगे थोड़ा गैप दीजिए। 2 घंटे का गैप दिया जा सकता है। 2 घंटे बाद आप फिर से अपनी विश को रिपीट करें और 22 बार इसे बोलें। ऐसा करने से दो की वाइब्रेशन और भी अच्छे से काम करेगी और आपकी विशेष जरूर पूरा हो जाएंगी। तो ये आपको करना है आज के दिन, इसीलिए मैं वीडियो दे रही हूँ कि आप इसे जरूर करें। फ्री रीडिंग सेशन के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप फ्री रीडिंग सेशन लेना चाहते हो तो कम्युनिटी टैब में आपको एक पोस्ट मिलेगी जिसमें मैं बताऊंगी कि फ्री रीडिंग सेशन कब होगा, और उसके बाद जो अगली पोस्ट मिलेगी उसमें ये बताया जाएगा कि आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो उसी पोस्ट के नीचे आप अपना क्वेश्चन करें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर फ्री रीडिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो एक ही प्रश्न करें, ताकि बाकी सब लोगों को भी समय मिले, वो भी अपने क्वेश्चन कर सकें। हम सब लोगों की मदद के लिए ये सेशंस रखते हैं। अगर आप लोग इस तरह से अपने क्वेश्चंस बार बार पूछेंगे तो वहां पर दूसरों की मदद नहीं हो पाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी पेशेंटली काम लेना है और दूसरों की मदद भी हमें करना है, इस बात को सोचकर एक ही क्वेश्चन करें और उसी पोस्ट के नीचे करें जो पोस्ट में लिखा होगा कि आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। इसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ टैरो रीडिंग कोर्स के लिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो 7 मार्च से ये कोर्स शुरू हो रहा है। आप लोग इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं। आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं टैरो सिखाऊंगी। इससे आप अपने लिए प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, अपना एनर्जी चेक कर सकते हैं, अपने लिए अपना पाथ चूज कर सकते हैं, आप हाँ या ना के क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो टैरो से की जा सकती हैं। तो इसलिए आप भी अगर टैरो सीखना चाहें तो इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आप मुझे कॉन्टैक्ट करके इसकी डिटेल ले सकते हो। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, बिकॉज कॉल लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको सारी डिटेल वहां पर सेंड करूंगी, जिससे आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हम करते हैं बात आज के हमारे टॉपिक की। 22 2 22, इसका मतलब है दो नंबर की वाइब्रेशंस। तो ये नंबर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए जानते हैं। पाइल नंबर 1 की बात करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या एनर्जीज बदलने वाली है, आपके लिए क्या हो सकता है, ये नंबर जब से आया आपकी जिंदगी में तब से क्या चेंजेस आएंगे, तो चलिए देखते हैं। टैरो की मदद से जानते हैं कि क्या मेन और इम्पोर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके लिए क्या है मैसेज, कि बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं इनको नहीं लूंगी। हम इसको थोड़ा सा दोबारा शफल करते हैं और उसके बाद हम कार्ड लेंगे। ओके, जजमेंट, एट ऑफ वॉन्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1, अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज किया है, डोर टू स्पिरिट को चूज किया है, यहाँ पर है 20 नंबर कार्ड,
जो बताता है कि टू की प्रेजेंस आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अगर नंबर दो बार बार दिखाई देता है तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपनी चीजों को फिर से चलाने की कोशिश कीजिए जो रुकी हुई थी, क्योंकि आज के बाद आपका समय बदलने वाला है, बहुत सारी चीजें दौड़ने वाली हैं जो रुकी हुई थी। यहां पर भी देखिए, मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यू चल रहे थे, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहां पर भी ये जो घोड़ा है वो दौड़ने वाला है। जो आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं आ पाया वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा। और आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और आगे आने वाले दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। अगर आप में से बहुत से लोग इस बात के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास सुख सुविधा हो, आपके पास लग्जरी हो, आपके पास आप खूबसूरत होना चाहते हैं, आप अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, तो वो चीजें भी आप कर पाएंगे। आने वाले समय में जब ये एनर्जी चेंज होगा, आज के बाद, आज के दिन के बाद, आप लोगों के लिए ना हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग, मुझे यहाँ पर लगता है कि हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, आज के दिन अपनी मैनिफेस्टेशन जरूर करना, और उसके बाद देखना कितनी जल्दी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको डिवाइन हीलिंग मिलने वाली है। आपको कोई भी इश्यू है, किसी से भी रिलेटेड इश्यू है, आप जानते हैं दो नंबर जो है वो हीलिंग का नंबर माना जाता है, कोऑपरेशन का नंबर माना जाता है, केयर का नंबर माना जाता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कोई भी इश्यू है जहां पर लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते, लोग केयर नहीं करते, परिवार के लोग आपसे साथ जुड़े नहीं हैं, वहां पर आप ये वाली मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग लेकर आ सकती हैं। तो ये चीजें जो है वो आपके साथ होने वाली हैं आज के बाद, और आप ये मैसेजेस बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर दो मेजर कार्ड्स हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, तो आप इसे एंजॉय भी करते हुए मुझे नजर आएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं समय बिता सकते हैं, उनके साथ अपने रोमांस को शेयर कर सकते हैं। यहां पर मुझे ये भी लग रहा है आज के बाद का समय जो है वो बदलने वाला है। हो सकता है ये पूरा मंथ आपके लिए जो दिन बचे हुए हैं वो आप इसी बात में एंजॉय करेंगे, अपने पार्टनर के साथ आप अपनी बातों को शेयर करेंगे, उनके साथ रोमांटिक एहसास आपको मिलेगा, और ऐसा लगेगा जो चीजें रुक गई थी बिल्कुल वो अब दोबारा से दौड़ने लगी हैं। और कुछ कार्ड्स की मदद से मैं देखना चाहती हूं कि क्या है आपके लिए आज का जो हमारा पोर्टल है, जो हमारा मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, वो आपको क्या बता रहा है। मैनिफेस्टेशन कौन कौन सी और आपकी पूरी हो सकती है, और क्या आपको ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स भी रहती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स जो हैं वो दिख रहे हैं मुझे, तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। स्टार पे आप तो स्टार सीड हो, जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा, और बिल्कुल भी आपको चिंता की जरूरत है ही नहीं। आज का दिन आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आया है। यहां पर आपने अगर चूज किया है डोर टू स्पिरिट तो भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप तो पहले ही स्टार सीड हो और आप पहले ही भगवान से जुड़े हुए इंसान हो, आप हीलिंग से जुड़े हुए इंसान हो, काउंसलर हो, आप दूसरों को काउंसलिंग देना चाहते हो, दूसरों को बताना चाहते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहां बताता है कि आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको मिलेगी, वो परिवार के लिए हो सकती है, वो आपके स्टेबिलिटी इश्यू के लिए हो सकती है। अगर आपके परिवार में कोई स्टेबिलिटी इश्यू चल रहा था तो अब स्टेबल हो जाएंगी चीजें, जो चीजें नहीं हो रही थी वो होने लगेंगी, फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आज के बाद। और यहां पर है किंग ऑफ कप्स, तो जो इमोशनल इम्बैलेंस से आप गुजर रहे थे वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। आपको मैं यहां पर ये कहूंगी कि ये जो दिन है विश फुलफिलमेंट का दिन है, आप कुछ भी विश करेंगे आने वाले समय में वो जरूर पूरी होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस कुछ थे जो मैं आपको देना चाहती थी। और यहां पर मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते थे फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, अगर आप कहीं से कुछ नया पाना चाहते थे, तो वो चीजें भी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। यहां पर किंग ऑफ कप्स है, यहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये किंग और क्वीन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। यहां पर इमोशनल बैलेंस भी नजर आ रहा है और फाइनेंशियल बैलेंस भी नजर आ रहा है। तो अगर आप किसी चीज में उलझे हुए हो तो इसको बिल्कुल आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बस आपको भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है, वो आपकी चीजों को खुद ही रिजॉल्व कर देंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको जाना कहाँ है और चीजें कैसे बैलेंस कर पाएंगे। यहां पर अगर आप किसी भी विश को फुलफिल करना चाहते हो तो जरूर कनेक्ट रहिए ईश्वर के साथ,
स्पिरिट बनकर उनके साथ रहिए, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। जो भी आप इच्छा करेंगे आज के दिन से स्टार्ट कीजिए और देखिए कैसे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। आपको एक टिप देती हूँ आज, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को आज से स्टार्ट करते हैं तो लगातार 20 दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बोलें, आप जो पाना चाहते हैं उस विश को बोलें, आप देखेंगे 20 डेज में आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये है आज का टिप ऑफ द डे। आपको अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो जरूर आप एक स्टार सीड होंगे, तभी पहुंचे हैं और आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो इसे अपनाना जरूर, करना जरूर और देखना 20 डेज में ही आपकी विशेष पूरा हो सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब बात करते हैं यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन सेकेंड पाइल। अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज किया है तो अब देखते हैं कि आपके लिए ये हमारा आज का जो पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहा है। आज है 22/2/22, यानी कि 5 बार हम इस नंबर को देखेंगे। छठा नंबर जो है वो 20 है, 2022 का नंबर है। तो 6 बार हम 2022 के इस साल में इतना इम्पॉर्टेंट नंबर देखेंगे, 6 बार हमें 2 दिखाई देगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि 2 नंबर जो है वो केयर को रिप्रेजेंट करता है, वो काउंसलिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि आप लोगों के साथ कितना जुड़ सकते हैं, लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं और आपकी विशेज को पूरा करने में आज का पोर्टल जब खुलेगा, अगर आप विश करेंगे तो आपको जरूर जरूर इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए जरूर अपनी विश को मांगें और मैनिफेस्टेशन के लिए तैयारी कर लें, इसीलिए आज का वीडियो मैं दे रही हूं। चलिए देखते हैं आज के इस नंबर के बाद अगर आप विश करते हो, अगर आप नहीं भी करते हो तब भी क्या एनर्जी आपकी बदलने वाली है। टैरो की मदद से देखेंगे कि क्या एनर्जी जो है वो बदलेगी और आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। आज के इस रीडिंग में मैं कोई ऑप्शन ज्यादा आपको नहीं दे रही हूं कि आपको पहला ही पाइल या दूसरा ही पाइल सिलेक्ट करना है, जो आपको लगता है आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। द मून, ओके, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो यहां पर सबसे पहले मैं पाइल नंबर 2 आपसे ये कहना चाहती हूँ, इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हो, कंफ्यूज हो किसी बात को लेकर, तो कंफ्यूजन को अब दूर कर दो क्योंकि अब ये कंफ्यूजन बहुत जल्द आपकी दूर हो जाएगी। आपको वो मिलने वाला है जो आप चाहते हो। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आएगा। यहां पर दिख रहा है आपको 2 नंबर कार्ड जो आपके इमोशंस को बता रहा है। आप जरूर चाहते हो, आप में से बहुत से लोग चाहते होंगे कि कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आए और आप उससे अपने प्यार का इजहार करें। तो ये आपकी विश बहुत जल्द आज के बाद पूरी हो जाएगी। अगर आज आप मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी विश को दिन में 2 बार बोलते हैं, आज जब आपको ये वीडियो मिलेगा उसके बाद अगर आप 2 बार अपनी विश को बोलेंगे, 2 घंटे के टाइम का गैप दे दें बीच में, जैसे आपको वीडियो मिला आपने तभी से बोला, उसके बाद आप 2 घंटे के बाद फिर से अपनी विश को रिपीट करें और इसे 22 टाइम्स बोलें। ऐसा करने से आपकी विश बहुत जल्द पूरी हो सकती है, मैनिफेस्टेशन हो सकती है और आने वाले 20 दिन तक आप इसको रिपीटेडली बोलते रहें तो बहुत ही जल्दी आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप पाना चाहते हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पर साफ साफ ये दिख रही है, आप रोमांटिक बहुत ज्यादा रहेंगे आने वाले समय में। आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहेंगे, उनके साथ अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे, उनके साथ अपने गिफ्ट शेयर करेंगे, प्यार शेयर करेंगे, उनकी केयर करेंगे, वो भी आपकी केयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उनकी केयर करोगे, आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको लगता है कि रास्ते दिखाई नहीं दे रहे तो ये मून की एनर्जी जो है वो बैलेंस होगी, कुछ ना कुछ हद तक आपकी जो ये स्थितियां हैं इनसे आप रिलीज इनको करोगे। और दूसरी बात, आपके लिए कोई नया काम आप शुरू कर सकते हो, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो लोग जॉब के लिए देखना चाहते हैं, आपके लिए कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी जो आपके करियर को लेकर होगी। यहां पर भी है मैन होल्डिंग अ कॉइन और यहां पर भी कॉइन है, तो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छा होने वाला है। आपको अगर कंफ्यूजन थी कि फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करें, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे,
तो वो रास्ते आपको अब बहुत जल्दी दिखाई देने लगेंगे। आपकी ये विश भी बहुत जल्द पूरा हो सकती है, तो आप इसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो करियर के लिए परेशान हैं, जरूर मैनिफेस्टेशन कीजिए, जरूर अपनी विश को बोलिए। आज से 20 दिन तक आपके लिए समय है जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो, तो जरूर इसे करने की कोशिश करें। मैं कुछ और कार्ड्स की मदद से भी देखती हूँ कि क्या एनर्जी आपकी रहेगी और आपके लिए ये जो पोर्टल है जो खुल रहा है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। थ्री ऑफ कप्स, ओके, तो कप्स बहुत ज्यादा हैं आपके लिए, तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। यहां पर भी कप्स हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी, ओके। तो यहां पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ, पाइल नंबर टू, कि अगर आप पास्ट में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो इमोशनली, तो अब आप उसको छोड़ दोगे, वो रिलीज करोगे आप, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो और आगे आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाओगे और जो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अब वो एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दोगे। थ्री ऑफ कप बताता है कि कोई आने वाले कुछ ही दिनों में कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हो। आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो उसको सेलिब्रेट करोगे, हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर रखो या कोई एंगेजमेंट सेरेमनी आप लोगों के लिए हो सकती है। और दूसरी बात, आपको यहां पर द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि आप बहुत वाइड विजन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आने वाले समय में आप अपने करियर को लेकर भी बहुत सारी चीजों को प्लान करोगे, सोचोगे और बहुत आगे बढ़ने वाले हो। मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि आप लोगों को फुलफिलमेंट मिलने वाली है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपको कंप्लीशन मिलने वाली है। द वर्ल्ड यही दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर एक कदम रखोगे तो आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो बहुत सारे कदम आपको आगे खींचेंगी और वो आपको ग्रोथ की तरफ आगे लेकर चली जाएंगी। आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग होगी, ट्रैवलिंग आप बहुत कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में, आपको सक्सेस मिलेगी जो भी काम आप करने के लिए जाओगे। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है थ्री ऑफ कप, यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो कुछ ना कुछ सक्सेस इस समय पर आपकी जिंदगी में लिखी हुई है। आप बहुत चीजों को अचीव कर पाओगे, अकम्प्लिश कर पाओगे अपनी जो भी चीजें आप सोचोगे। तो एक बहुत हैप्पी एनर्जी जो आपकी वेट कर रही है उसे आप सेलिब्रेट भी करोगे। जो लोग किसी नए करियर में जाएंगे बहुत जल्दी आप इसको प्लान भी करेंगे और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है। तो ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए आपकी रिलेशनशिप और आपके करियर को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी और आप इसे खुद ग्रो करेंगे। इस बात की खुशी आपको बहुत ज्यादा होगी कि आपने इसे खुद किया है, आप अपनी सक्सेस लाइन की तरफ खुद बढ़े हैं। जब इंसान अपने हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ता है, खुद ग्रो करता है, तो वो और भी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी सक्सेस के पीछे कोई और नहीं है, वो खुद है। और इसकी खुशी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो ये खुशी आपको मिलने वाली है। आपको ना इस समय पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं या कोई बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो अपना पूरा 100% दे देना, क्योंकि ये समय है ऐसा। जब आप अपना 100% देंगे तो आपको इसके लिए अलग से रिवॉर्ड भी मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए फाइनेंशियल मैटर्स सॉल्व होंगे, जो पुरानी चीजें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो बहुत अच्छे से चलेंगी। और आपको इसका रिवॉर्ड जब मिलेगा तब आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलने वाला है। आउटपुट जब मिलेगा तब आपको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस मिल जाएगी। तो ये आपके लिए इस समय पर जो एनर्जीज है वो यही कह रही हैं कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप करना चाहते हो उसे कर सकते हो। और अपनी मून की एनर्जी से थोड़ा रिलीज करना, पास्ट में मत रहना, पास्ट की बातों को मत सोचना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप पास्ट में रहेंगे, रिलीज नहीं करेंगे उन एनर्जीज को, तो थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, आप मेंटली थोड़ा सोच विचार में ज्यादा रह सकते हैं और डिसीजन फिर कम लिया जाएगा आपसे। इसलिए जरूरी है कि आप मून की एनर्जी में बिल्कुल मत रहना और अपने मून को बैलेंस करने की, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करना, पास्ट की बातों को ज्यादा ना सोचना। तो ये चीजें आपको रिलीज भी करनी है, ऐसा नहीं है कि सब चीजें मिल ही जाएंगी, आपको कुछ ना कुछ रिलीज भी करना पड़ता है। जब आपका मन खाली होगा तभी आपको जगह मिलेगी कि आप बाकी चीजों को भर सको। इस समय पर जो लोग मून एनर्जी को जूझ रहे हैं, मून की एनर्जी के साथ जूझ रहे हैं, बैड मून की एनर्जी, मैं कह सकती हूँ कि आपका मून वीक है, आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं, आपके अंदर एनर्जीज ऐसी हैं जो पॉजिटिव नहीं है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हो या इधर उधर की बातें ज्यादा सोचते हो, आपको भी हीलिंग मिल सकती है। यहाँ पर आपके लिए रिकवरी का मोड जो है वो चल रहा है, आप रिकवर हो सकते हो चीजों से, कोशिश कीजिए रिकवर होने की। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि रिकवरी का मोड चल रहा है,
पर रिकवर होने के लिए कोशिश आपको करना होता है। जब यूनिवर्स आपको सिम्टम देते हैं, सिंबल्स बताते हैं, कुछ चीजें दिखाते हैं, कोई डिवाइन एनर्जीज दिखती हैं, फ्रिक्वेंसीज दिखती हैं, नंबर्स दिखते हैं, तब वो समय होता है जब आप हील हो सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आने वाले 20 दिन भी इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी इस एनर्जी को रिलीज कर पाओगे, मून की एनर्जी को रिलीज कर पाओगे, यहां पर ये कार्ड जो है ये इमोशनल इम्बैलेंस का, और मून बता रहा है कि आपकी कुंडली में भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की मून कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो आप उसको भी हील कर सकते हो इस समय पर। 20 दिन का ये समय मैनिफेस्ट भी कीजिए, विशेष को मांगिए, और दूसरा रिकवरी मोड में रहिए। आप अपने आप को हील कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, खुद पर काम कीजिए। बहुत खूबसूरत दिन है और आप कर सकते हो जो भी आप विश फुलफिलमेंट करना चाहते हो और खुद को रिकवर करना चाहते हो। आपको हीलिंग जरूर मिलेगी और आप इस मोड से बाहर आ जाएंगे। आपका चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा। आप अपनी मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिससे आपका चंद्रमा ठीक होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि घूमना फिरना आपको बहुत पसंद है, खुद के लिए समय निकालना बहुत पसंद है, तो घूमिए, जहां जा सकते हैं जाइए। जरूरी नहीं होता कि ऑल ओवर वर्ल्ड ही आपको घूमना है, आपका दायरा कितना है उसके मुताबिक आप घूम सकते हो। अगर आप शाम को पार्क में वॉक भी कर लेते हो ना, तो कभी कभी वहां पर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हील हो रहे हो। तो थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं यही आपको कहना चाहती हूं कि जितना आप खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे, अपने लिए मनन करेंगे, अपने लिए सोचेंगे, उतना ही आप हील होते चले जाएंगे। तो ये हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस एनर्जी से रिलीज होना बहुत जरूरी है। ये आपको पास्ट की बातों से भी बाहर निकालेगी कि किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, और अगर किसी के साथ कोई इमोशनल चीजें ऐसी हुई हैं जिसको आप भुला नहीं पा रहे, उसको भी आप भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे अपने जिंदगी में, अपने करियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ऐसा होगा, बहुत जल्द होने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाल नंबर 2, कि आपके लिए आज का जो दिन है वो क्या लेकर आ रहा है, और उसके बाद जो एनर्जीज बदलेंगी वो आपके लिए क्या लेकर आ रही है। आज की ये खूबसूरत रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।